देश भर में आज के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज से 23 साल पहले 26 जुलाई के दिन ही भारत के वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकवादी और सैनिकों को कारगिल से खदेड़ दिया था। इस खास मौके पर हर साल 26 जुलाई को वीर गति को प्राप्त होने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए विजय दिवस मनाया जाता है। आज का दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक माना जाता है। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच चला युद्ध मई से जुलाई तक हुआ था। ऑपरेशन विजय के दौरान भारत के कई वीर सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन वह एक इंच भी अपनी जमीन से पीछे नहीं हटे थे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर हर साल देश के वीर जवानों को याद करते हुए उनकी वीरता और साहस के किस्से हर जगह सुनाए जाते हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर के कैंट स्थित ब्रिगेड युद्ध स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को याद किया गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीद वीर सपूतों के किस्सों के बारे में लोगों को बताया गया। रोल है, रोल है। सर, आज विजय दिवस है, क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? 7 इन्फेंट्री में डिवीजन में रीत लेइंग सेरेमनी किया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों ने कारगिल दिवस में फतेह करके वर्ल्ड में अपना परचम लहराया है, भारतीय सेना का नाम गौरवशील बनाया है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड में, और सारे वेटरन्स जिन्होंने लड़ाई में पार्टिसिपेट भी किया है वो यहाँ मौजूद है। हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी बहादुरी की तारीफ़ करते हैं, इंडियन आर्मी के लीडरशिप की तारीफ़ करते हैं, जिनकी वजह से हमें हर वॉर में फतेह मिल रही हो, चाहे वो 62 वॉर हो, चाहे 65 वॉर हो, 1971 और कारगिल वॉर। इंडियन आर्मी की लीडरशिप और इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों ने देश का नाम रोशन किया है, हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सर, जो इसमें मौजूदा एलओसी में हालात हैं चीन के और इंडिया के, पार्टी सर, जो इसमें मौजूदा चीन और इंडिया के हालात हैं एलओसी पे, उस पर जाएंगे चीन? हम हमेशा तैयार हैं, हमेशा हालात उसी तरह से हैं, दुश्मन हमेशा हमें चुनाव दे रहा है, हम चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार। गुड नेम, आई एम कर्नल किशन सिंह, थैंक यू।